Hey guys, welcome back to my channel and today we are going to discuss Express.js framework. यानी कि आज से हम Express.js की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं. So without any further ado, let's begin. So guys, before starting the Express.js introduction and the coding part, I would like to explain what is Express.js. So as per the website's definition, it is written that Express is minimal and flexible Node.js web application framework that provides a robust set of features for web and mobile application. यानी कि Express.js एक Node.js का web application है जो कि provide करता है एक robust और कई सारी ऐसी features को provide करता है जिसके through आप जो Node.js की application है उसको बहुत ही easily create कर सकते हैं with Express.js framework, right? Now the second point says that it is built on top of Node.js. यानी कि Node.js जो हमारा application है उसके ऊपर एक बनाया गया है और ये pure Node.js code में written है. This framework is written in pure Node.js. Okay. So I hope you understand this point. Now why Express.js has become very famous? So Express.js has become very famous because of handling complex routing. Now what does it mean? Now handling complex routing means that when your application grows bigger and bigger, यानी कि जब आपकी application बहुत बड़ी होने लगती है तो उसकी जो routings होती हैं different उसके में pages आने लगते हैं, तो जो different pages पे जाने का जो जरिया होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होने लगता है. एंड इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज़ राउटिंग, प्लीज़ गो बैक ऑन माय प्रीवियस लेक्चर एंड स्टडी व्हाट इज़ राउटिंग. आई हैव एक्सप्लेन्ड इट वेरी ब्रीफली एंड प्लीज़ गो एंड वॉच दैट प्रीवियस लेक्चर अबाउट राउटिंग. ओके, इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट राउटिंग इज़, बट राउटिंग मतलब ये समझ लीजिए कि जब हम डिफरेंट पेजेस में जब जाते हैं उसको ही हम राउटिंग कहते हैं. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू हैंडल रिक्वेस्ट्स एंड रिस्पॉन्स, यानी कि जो हमारी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आती हैं उनको ईजिली हैंडल कर सकता है, यानी कि जो गेट और पोस्ट रिस्पॉन्सेज होती हैं. आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट दिस डिफरेंट रिस्पॉन्सेज आर देयर, व्हाट आर दिस यू नो डिफरेंट रिक्वेस्ट वी कैन डू विद द एप्लीकेशन. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन सर्वर साइड रेंडरिंग. सर्वर साइड रेंडरिंग मतलब कि जैसे कि आपका कोई पेज है जिसने आपको आपने किसी पेज टेम्पलेट को होस्ट किया है फ्रॉम द सर्वर साइड, तो उसको हम लोग सर्वर साइड रेंडरिंग कहते हैं कि भाई तुम्हारा जो एप्लीकेशन है टेम्पलेट है वो तुम्हारे डेटा के अकॉर्डिंग वो रेंडर होकर के तुम्हें दिखे. सो दैट इज़ कॉल्ड एज सर्वर साइड रेंडरिंग. आई विल शो यू इन प्रैक्टिकल वे ऑफ हाउ यू कैन डू सर्वर साइड रेंडरिंग. इट विल मोर हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड. फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दैट Express.js इज वेरी ईजी फ्रेमवर्क फॉर द Node.js एंड इट हेल्प्स यू इन टैकलिंग लॉट्स ऑफ द इशूज विच वॉज फेस्ड बाई नॉर्मल Node.js एप्लीकेशन. सो दैट इज़ वाई Express.js हैज़ बिकेम मोर फेमस. नाउ Express.js हैज़ वन मोर गुड कॉन्सेप्ट दैट इट अलाउज MVC आर्किटेक्चर, यानी कि हमारा जो MVC आर्किटेक्चर है मॉडल व्यू कंट्रोलर, मैं इसको भी समझाऊंगा व्हाट इज मॉडल व्यू कंट्रोलर इन द नेक्स्ट लेक्चर्स. एंड इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड एंड यू नो डिवाइड द होल एप्लीकेशन इन MVC आर्किटेक्चर. सो दैट इज़ वाई Express.js हैज़ बिकम मोर फेमस. नाउ वी विल मूव ऑन टू द कोडिंग पार्ट एंड वी विल एक्सप्लेन यू how you can install the Express.js framework in your application, right? So guys, before starting the lecture, the coding part, I would like to tell you to download this application, that is Postman, in order to, you know, do API testing and all. So this application, please download it. And here you can easily go and click on it, download the application. And when you will download this application, जब आप इस application को download कर लेंगे तब ये application जब आप open करेंगे तो ये कुछ ऐसी दिखेगी. And I like the dark background, so that is why I put it in the dark background. If you want some other background, you can go into settings and you can change the theme. You can go on theme and use the theme, whatever theme you like. Since I like the dark theme, so I am using this dark theme over here. सो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए. इस एप्लीकेशन का नाम है पोस्टमैन. सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू हाउ यू कैन हेल्प, हाउ इट कैन बी हेल्पफुल फॉर योर API डेवलपमेंट. जो हम लोग API डेवलपमेंट करते हैं उसमें ये कितना हेल्पफुल होगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई टोल्ड यू. प्लीज़ डाउनलोड दिस एप्लीकेशन, आई एम अगेन सेइंग. सो लेट्स मूव ऑन टू द कोडिंग पार्ट. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द इंस्टॉलिंग द NPM पैकेज एंड ऑल. सो
लेट्स डू दिस, लेट्स गो ऑन टर्मिनल. सो पहले हम टर्मिनल में जाएंगे. लेट मी मेक इट मोर क्लोजर सो दैट यू कैन सी. सो नाउ आई एम गोइंग टू इनिशलाइज आवर प्रोजेक्ट एंड हियर यू विल राइट npm init इन ऑर्डर टू इनिशलाइज द प्रोजेक्ट. नाउ देर इज़ अ वन न्यूज़, एक न्यूज़ आई है कि npm को माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया है एंड नाउ इट इज़ गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एंड दे आर गोइंग टू इंटीग्रेट इट विद द GitHub. और वो जो GitHub से इंटीग्रेट करने वाले हैं एंड GitHub ऑलरेडी इज़ बींग ओन्ड बाई माइक्रोसॉफ्ट, राइट? सो दिस इज़ अ गुड न्यूज़. सो हियर आई एम एक्सप्लेनिंग यू author, right? JavaScript boy. This okay? Yes. So here you have, you can see that one file has been created, that is packet.json, right? Now I'm going to create one more application called app.js. yani ki app.js ki maine ek application banayi, ek file banayi hai aur isme hum code karne wale hain. To let's go on, make this clear. Now I am going to install Express framework. Now I am going to install this Express framework. So how can I install this? So for that you need to write npm install express. Just type npm install express and press it. And as soon as you will press it, it will start downloading. Now there is some error happened over here. Let's see what is the error. Kya error hai? So it is saying that refusing to install package with the name express under a package also called express. Okay, so मैंने जो अपना project के package का name दे दिया है वो भी express ही दे दिया है, तो ये conflict कर रहा है. इसकी वजह से there is some issue happening, that is why it is not installing it. So let me go and change the package name over here. If I go there and type here express demo. Okay, so I have changed the name over here, express demo. Now let it go and install it again. So for that npm install express and press it. Now I hope it should install now. So yes, I think it has started installing, you can see. And as soon as it will get installed, it will show over here. So yes, it has installed. So you can see that the dependency have been added over here. Ek dependency add ho gayi hai express ki aur iska version de diya gaya hai 4.17.1. Now I would like to explain you this version. What is this version? Now yahan pe jo 4 hai, 4 jo hai wo dikhata hai ki ye ek major version hai. Theek hai? 17 jo hai ये बताता है कि भाई फॉर एग्जांपल ये एक मिनी वर्जन है. यू कैन से दैट अगर ये मान लो 4.18.1 हो जाता है, अगर ये 4.18.1 हो जाता है तो इसका मतलब है कि हमारी जो एक्सप्रेस जेएस का जो क्या बोलते हैं वर्जन है उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ मिनी चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन में इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट? नाउ अगर ये 4 से 5 हो जाए, इसका मतलब है बहुत सारे मेजर चेंजेस हुए हैं. अगर आप नए वर्जन को डाउनलोड करेंगे तो आपको जो पुराने वर्जन पे कोई एप्लीकेशन बना है, सो इट कैन ब्रेक डाउन, इसके वजह से इशूज़ हो सकते हैं. सो फॉर दैट दिस स्मॉल कैप हैज़ बीन एडेड ओवर हियर. इसका मतलब है कि ये सिर्फ पैचेस को और बग्स को हैंडल करेगा. अगर ये मान लीजिए 4.17.2 हो जाए, इसका मतलब है कि कुछ बग्स को हटाए गए हैं, कुछ बग्स को रिजॉल्व किए गए हैं, ठीक है? और इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ मिनी फंक्शनैलिटीज़ ऐड करी गई हैं. अगर ये 14-18 होता है और अगर ये 4 से 5 हो जाता है, इसका मतलब है इसमें कुछ मेजर फीचर्स ऐड किए गए हैं जिसकी वजह से आपके एप्लीकेशन को डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं. इसी वजह से यहाँ पे कैप लगाया गया है ताकि ये जो मेजर चेंजेस होते हैं, यानी अगर 4 से 5 वर्जन पे जाता है तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ मिनी वर्जन को एक्सेप्ट करेगा जो कि यहाँ पे 17 है. इनको यू कैन से दैट मिनी फंक्शनैलिटीज़ को ये एक्सेप्ट करेगा और पैचेस को एक्सेप्ट करेगा. इसके अलावा आपके जो मेजर वर्जन है उसको ये चेंज नहीं करेगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट दिस 14.17.18 इज़ टेलिंग यू, राइट? So let me go. Okay, so now I'm going to import this express framework. So for that what you have to do, you have to write import express, sorry not import,
I have to make one variable express and you have to use require. So मैंने पहले ही बताया हुआ है कि require function से आप किसी भी package, किसी भी module को import कर सकते हैं. तो यहाँ पर मैं इस module को import कर रहा हूँ, that is Express.js module को. So मैंने यहाँ पर Express.js module install कर लिया है. Now I am going to start this express, right? So for that what I have written, const app express, right? Now what I am going to do over here, I am going to give express.get and one callback function request response console.log hello JavaScript subscribers, right? तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि hello JavaScript subscribers. Now if I go and start this, if I'm going to start on 3001 port, console.log server started. तो आप ये देख सकते हैं कि I have written some code over here and now let me show you first, then I will start this code here. Okay, so let me start this server. So for that what I have to write, I have to write node app.js. Now there is some error happened again. Let me see the error. It is saying that npm notice created a log file as packet.json. You should commit this file npm var invalid name. यानी कि invalid name यहाँ पे कुछ हुआ है issue. सबसे पहले एक तो warning आई है and second thing there is some error that address is already being used. यानी कि 3001 already use में है. तो इसको मैं 3002 कर देता हूँ. So you can avoid the warnings for now, but I will explain you. So here you can see that server has been started, right? Server start हो चुका है. तो इसको हम इस application को हम request कैसे करेंगे? तो हम postman का use करने वाले हैं. तो for that just you have to go and write localhost 3002. And यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जितनी भी get request हैं ये उनको accept करेगा. तो अगर मैं यहाँ पर request भेजूँ तो जो इसका response होगा console.log में आ जाएगा. आप जाके देखेंगे अगर. सो हियर यू कैन सी दैट हेलो जावास्क्रिप्ट सब्सक्राइबर हैज़ बीन प्रिंटेड आउट. तो अभी तक क्या हुआ चलिए डिस्कस करते हैं. लेट्स सी. सो गाइस व्हाट आई हैव डन टिल नाउ, अभी तक हमने क्या किया है, हमने एक्सप्रेस पैकेज को इम्पोर्ट किया है. इम्पोर्ट करने के बाद सेकेंड लाइन में मैंने एक्सप्रेस पैकेज को स्टार्ट किया है. सो फॉर दैट आई हैव रिटन कॉन्स्ट ऐप इज कॉल टू एक्सप्रेस. ओके सो इट हैज़ स्टार्टेड एक्सप्रेस फ्रेमवर्क. नाउ वॉट आई हैव डन, मैं सबसे पहले जितनी भी गेट रिक्वेस्ट आएंगी यानी ब्राउज़र से जो भी हमारी गेट रिक्वेस्ट आएंगी उनको मैं हैंडल करूँगा. ओके सो फॉर दैट अगर मान लो मैं यहाँ पर जाता हूँ इसमें और टाइप करता हूँ लोकल होस्ट 3000, राइट? तो ये इस यू आर एल पे अगर मुझे गेट रिक्वेस्ट मिलेगी तो मैं इस फंक्शन के थ्रू, इस कॉल बैक फंक्शन के थ्रू हैंडल करूँगा. सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. और पोस्टमैन भी यही कर रहा है कि जो हम लोग इस यू आर एल को जब हिट कर रहे हैं गेट रिक्वेस्ट गेट मेथड के थ्रू, तब ये क्या कर रहा है, इस यू आर एल पे जो भी कॉल बैक फंक्शन मैंने लिखा है, यानी कि जो भी कॉल बैक फंक्शन मैंने लिखा है उसको ये स्टार्ट करेगा. यानी कि जो रिक्वेस्ट आएगी क्या रिस्पॉन्स देना है, इट विल डू दैट थिंग. सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू ओवर हियर. वट एवर द गेट रिक्वेस्ट आर कमिंग, वट एवर द एप्लीकेशन इज रिक्वेस्टिंग और वट एवर द क्लाइंट इज रिक्वेस्टिंग फॉर दैट पर्टिकुलर गेट मैथड, सो फॉर दैट वी आर हैंडलिंग इट थ्रू दिस कॉल बैक फंक्शन. एंड आई हैव फॉर दैट आई हैव रिटन ओवर हियर कॉल कंसोल डॉट लॉग हेलो जावास्क्रिप्ट सब्सक्राइबर. सो हम इसका अभी रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, इसका रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं. सो हाउ आई कैन गिव रिस्पॉन्स, सो फॉर दैट यू हैव टू राइट रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस. स्टेटस मतलब 200 का मतलब होता है कि ओके दैट रिस्पॉन्स हैज़ बीन गिवेन. यानी कि कोई एरर नहीं है, कोई इशू नहीं है, रिस्पॉन्स हैज़ बीन गिवेन
in a good way, right? Now what I am going to send over here. Now for example, agar mujhe kuch code send karna hai, for example kuch mujhe for example let's say response it like hello server, hello from server, right? तो ये जो रिस्पॉन्स है ये वहाँ पे जाएगा, ठीक है, विथ 200 स्टेटस की भाई ओके दैट हैज़ बीन दैट आई हैव गॉट दिस रिस्पॉन्स, देयर इज़ नो सर्टेन एरर हैज़ बीन फाउंड. ओके, सो आई होप टिल नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट आई हैव डन ओवर हियर. सो लेट्स स्टार्ट दिस एप्लीकेशन अगेन. सो फॉर दैट गो एंड टाइप नोड ऐप डॉट जे एस. सो एज यू टाइप द नोड ऐप डॉट जे एस, नाउ गो एंड क्लिक इट अगेन ओवर हियर. Now you will get the response over here. So here you can see that we have got the response hello from server. यानी कि जब हमने ये request करी, इस URL को hit किया, request करी उस application को, server को, तो उसने उस request को listen किया और listen करने के बाद उसने response में मुझे भेजा क्या कि भाई hello from server, ठीक है. और you can see that status okay. And second thing is also that here you can see you don't have to tell the content type. It has all automatically got you know what we can say. It automatically got node, right? Application will note that this is what kind of file. So content type you don't have to initialize it manually here. So I hope till now you understood what I have done over here. तो अगर मैं दूसरी एक रिक्वेस्ट को लिखता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिखता हूँ ऐप डॉट पोस्ट, अब जितनी पोस्ट मेथड की रिक्वेस्ट होंगी उनको ये हैंडल करेगा, राइट. इसी सेम यूआरएल पे अगर मैं एक रिक्वेस्ट करूँ और एक रिस्पांस दूँ, सो आई एम गिविंग हियर वन रिक्वेस्ट एंड वन रिस्पांस. सो फॉर दैट रेस्ट डॉट स्टेटस डॉट स्टेटस 200 डॉट. नाउ अगर मैं यहाँ पे जेसन का कोड भेज रहा हूँ, मान लीजिए जेसन फाइल भेज रहा हूँ, तो आप जेसन भी लिख सकते हैं, देर इज़ नो सच इशू. बट फॉर एग्जांपल आई एम सेंडिंग दिस जेसन ओवर हियर, शुभ एंड एज 12, राइट. माय एज इज़ नॉट 12 बट यू कैन सी आई हैव रिटन दिस ओवर हियर, राइट. Now I am going to again start this. Now we are starting this application again and again. This is quite tiresome, right? तो इसके लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं, एक पैकेज होता है Nodemon, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए, npm install Nodemon and try to install it globally. आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए ताकि जो आपकी ग्लोबल डायरेक्टरी है उसमें इंस्टॉल हो जाएगा. तो जो भी आप एप्लीकेशन को इस्तेमाल करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर कोई आप नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उसमें भी आप Nodemon को इंस्टॉल कर सकते हैं. आपको बार बार एप्लीकेशन, जैसे मैं यहाँ पे बार बार मुझे रन करानी पड़ रही, दैट आई डोंट हैव टू डू. आई हैव टू स्टार्ट द सर्वर वंस एंड वेन एवर वी आर मेकिंग द चेंजेस इट विल रेंडर इट अगेन एंड अगेन. तो वो अगेन एंड अगेन उसको रेंडर करेगा, सो इट विल नॉट कॉज एनी काइंड ऑफ इशू, राइट. एंड वी डोंट हैव टू स्टार्ट द पैकेज अगेन एंड अगेन. So I hope till now you understood what had happened over here, what are the things I have added in this application. So let's start this application again with Nodemon. So for that Nodemon app.js and press it, and as soon as you will press it the server will got started. So server start ho chuka hai. Now you will see the difference. Ab agar main isko post request bhejun, so for that just select the post over here and click it. और जैसे ही आप क्लिक करेंगे, सो यू कैन सी दैट द रिस्पॉन्स हैज़ गॉट व्हाट द जेसन वी हैव सेंड द नेम शुभ एज 12. और आप जाके देख सकते हैं कि ये कंटेंट टाइप मुझे यहाँ पे मैनुअली इनिशियलाइज नहीं करना पड़ा, इसने अपने आप डिसाइड कर लिया कि भाई ये एक जेसन फाइल है. एंड यू गॉट द स्टेटस एज वेल एज 200. नाउ अगर मैं गेट रिक्वेस्ट भेजूँ, सो यू कैन सी द गेट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हैज़ केम ओवर हियर हेलो फ्रॉम सर्वर. तो आई होप यू अंडरस्टूड एंड दिस इज़ द फर्स्ट API यू हैव क्रिएटेड, या आपने पहली API क्रिएट करी है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी प्लीज़ कमेंट द क्वेश्चन क्वेरीज इन द डिस्क्रिप्शन, और यू कैन रीच मी थ्रू इंस्टाग्राम एज वेल. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट
please subscribe the channel, like the content and share it with your friends so that they can also learn new things from my video series. So thank you so much for watching this video, and in the next lecture I am going to start the Express different methods, what are the different methods are there in Express. So those things we will discuss. So thank you so much, see you in the next lecture.